नमस्कार, मैं हूं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी के आंकड़ों को साझा करते हुए सरकार से सवाल किया है कि विगत 8 वर्षों में 22 करोड़ युवाओं ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन दिया, जिसमें से मात्र 7 लाख को रोजगार मिल सका है। जब देश में लगभग 1 करोड़ स्वीकृति पद खाली है, तब इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नाजर मल्होत्रा भारत की सबसे धनवान महिला बनी हुई हैं। वर्ष 2021 में उनकी कुल संपत्ति 54% बढ़कर 84,330 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची में 100 ऐसी महिलाओं में शामिल हुई हैं। अधीर रंजन ने अपने राष्ट्रपति वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे मुंह से राष्ट्रपति शब्द निकल गया, अब मैं क्या करूं, ये चूक हो गई है, अब अगर फांसी देनी हो तो फांसी दे दो। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति ही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। इस फैसले के बाद कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, उनके सांसद बेटे कार्ती चिदंबरम, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उद्योगपति शिवेंद्र मोहन सिंह आदि के खिलाफ चल रही जाँच रफ्तार पकड़ सकती है। बिहार के बेगूसराय जिले में बेखौफ चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक यह चोरी बेगूसराय जिले में महमदपुर शिव मंदिर के नजदीक रेलवे बैरक नंबर 46 स्थित गोविंद सिंह के घर में की गई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि चोरों ने परिवार के सदस्य की गैर मौजूदगी में देर रात करीब 1 बजे से 5 बजे के बीच चोरी को अंजाम दिया है। चोरों ने घर से LED TV, इन्वर्टर सहित कई महंगे सामान अपने साथ उठाकर ले गए और वहां रखे कई सामान को तहस नहस कर दिया। इस वारदात के बाद परिवार के सदस्य सहमे हुए हैं। वहीं गोविंद सिंह के दोनों बेटे गौतम और उत्तम शहर से दूर काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। पीड़ित परिवार ने चोरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की है। बेगूसराय पुलिस ने विश्वास दिलाते हुए कहा है कि चोरों के साथ साथ सामान का जल्द से जल्द पता लगाया जाएगा। गुलाबी और हरे नोटों का जखीरा इन दिनों पश्चिम बंगाल की नई लेडी कुबेर के पास से मिल रहा है। इस नई लेडी कुबेर का नाम अर्पिता मुखर्जी है, जो बंगाल सरकार की मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाती है। अब तक अर्पिता के ठिकाने से 50 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। गुलाबी और हरे नोटों को गिनकर एजेंसियां थक चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अशोभनीय टिप्पणी को लेकर सांसद के अंदर गुरुवार को बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जब सोनिया गांधी बीजेपी नेता रमा देवी से बात कर रही थी, उस वक्त उनके साथ बिट्टू और गौरव गोगोई थे। सोनिया गांधी उस समय रमा देवी से कह रही थी कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। तभी स्मृति ईरानी ने कहा, मैम मे आई हेल्प यू, मैंने आपका नाम लिया था। तब सोनिया गांधी ने कहा कि डोंट टॉक टू मी, और तब दोनों तरफ से सांसद आ गए और नारेबाजी होने लगी। तब गोगोई सुप्रिया सुले ने बीच बचाव किया। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन एक शानदार स्पेशल टूर पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज में IRCTC आपको थाईलैंड, अंडमान और कोलकाता घूमने का मौका दे रहा है। विदेश यात्रा के इच्छुक यात्रियों के लिए लखनऊ से थाईलैंड के लिए हवाई टूर पैकेज दिनांक 12 से 17 सितंबर 2022 बुकिंग के लिए उपलब्ध है। इस यात्रा की बुकिंग हेतु पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित IRCTC कार्यालय एवं IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य 65,900 रुपये है। बिजली महोत्सव के दौरान बेलसंड के राजद विधायक संजय गुप्ता ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने इलाके का कार्यकर्ताओं को कह चुके हैं कि बिना सूचना विद्युत कनेक्शन काटकर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराने वाले JE को पकड़कर पीट दीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। विधायक का कहना है कि गाँव में 1 महीना पहले जाइए और उपभोक्ताओं को बकाया बिल के बारे में बताइए, इसके बाद आगे की कार्रवाई कीजिए। सीधे बिजली कनेक्शन काटने से लोगों को परेशानी होती है। विधायक का यह बयान इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए अपडेट्स के मुताबिक भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण के 20,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे पहले जारी किए गए अपडेट में भारत में एक दिन में कोरोना के 18,313 नए मामले सामने आए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज 28 जुलाई से हो रहा है। आज ओपनिंग सेरेमनी रही, वही यह गेम्स से इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहा है। कॉमनवेल्थ की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय खिलाड़ियों का दल भी शामिल रहा। इसमें 2 बार की ओलंपिक चैंपियनशिप PV सिंधु के साथ हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को बनाया गया है। पटना के फुलवारी शरीफ में PFI का इंडिया विजन 2027 से सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। NIA को जांच का जिम्मा सौंपे जाने के बाद पहली बार दरभंगा और पूर्वी चंपारण में छापेमारी शुरू की गई। टीम सबसे पहले लहरिया सराय थाना क्षेत्र के शेर मोहम्मद मोहल्ला में छापेमारी की, जहां लखनऊ से गिरफ्तार किए गए नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट के घर की तलाशी ली जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के साबरकांठा में गढ़ोडा चौकी में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों और दूध उत्पादकों को सशक्त बनाया जाएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन मसले पर खुली चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि I2U2 के माध्यम से भारत मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा व आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे शांति व समृद्धि की राह भी खुलेगी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नेपाल के चितवन जंगल में भटक कर आए करीब आधा दर्जन हाथियों का झुंड तांडव मचा रहा है। हाथियों ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में लगे कई साइन बोर्ड और अन्य चीजों की क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों के तांडव से वाल्मीकि नगर और गनौली के जंगली एवं रिहायशी इलाकों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं। VTR प्रशासन नेपाली हाथियों की निगरानी में जुटा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार देना राजा के बस की बात नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया कि 22 करोड़ युवा 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे हैं। नौकरी मिली 7.22 लाख को, यानी 1,000 में से सिर्फ 3 को। बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को गुस्सा आता है। सच तो ये है कि रोजगार देना इनके बस की बात नहीं है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज बुधवार को समाप्त हुई। तीसरे वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 119 रनों से हराया और सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। वहीं शिखर धवन भारत के पहले कप्तान बने जिन्होंने कैरिबियाई धरती पर वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया। राजद ने केंद्रीय एजेंसियों पर आतंक पैदा कर विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश करने का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता अच्युत रंजन गगन ने कहा है कि विरोधी नेताओं की छवि खराब करने के लिए जिस प्रकार CBI ED का दुरुपयोग किया जा रहा है, देश की जनता सब समझ रही है। समय आने पर इसका जवाब भी देगी। आज अब महंगाई, बेरोजगारी और जन सरोकार के मुद्दे को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, तो केंद्रीय एजेंसियों को 14 साल पहले के मामले याद आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रेम चोपड़ा के निधन की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। इस बीच प्रेम चोपड़ा ने खुद सामने आकर उनकी निधन की खबरों को गलत बताया है। एक मीडिया इंटरव्यू में प्रेम चोपड़ा ने बताया कि यह बेहद दुखद है कि कोई गलत तरीके से उनके निधन की खबर फैलाकर खुश हो रहा है। प्रेम चोपड़ा ने यह भी बताया कि जब से यह खबर फैली है, तब से उनके करीबी लोगों और परिवार वालों के फोन आ रहे हैं। ओपनर शिखर धवन की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। तीसरे वनडे में भारत के डकवर्थ लुईस प्रणाली के तहत विंडीज टीम को 119 रन से हरा दिया है। धवन ने महेंद्र सिंह धोनी के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। धोनी ने भी एशिया के बाहर 29 बार वनडे में 50+ स्कोर किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की कीमत बुधवार को ट्रेंडिंग के साथ $22,000 से अधिक हो गई। बिटकॉइन आज 8% से अधिक बढ़कर $22,757 हो गई है। बिटकॉइन के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर भी लगभग 13% बढ़कर $1,614 हो गया है। खराब मौसम की वजह से चल रही अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए पहाड़ी इलाकों पर रुख नहीं करने की चेतावनी दी है। जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में रात से बारिश होने की वजह से चिनाब दरिया का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। मौसम साफ होने तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी संकट में नजर आ रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर महज $10 अरब रह गया है। पाकिस्तान रुपए का तेज अवमूल्यन होने से $1 की कीमत 240 पाकिस्तानी रुपए पार कर गई है। झारखंड के बाद अब बिहार में सरकारी विद्यालयों में शुक्रवार को छुट्टी का मुद्दा गर्मा गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बुधवार के बिहार सरकार से रिपोर्ट का तलब किया है। आयोग ने किशनगंज के 37 सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश देने पर स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल बिहार के सीमांचल इलाके में रविवार की जगह शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में छुट्टी दी जा रही थी। यह मामला अब धूल पकड़ने लगा है। कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों और नेताओं की वजह से शुक्रवार को अवकाश रखने का फैसला लिया गया है। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक निधन ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। एक्टर बिंदु दारा सिंह ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला जैसा कोई नहीं था। उन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल था और वह उन्हें अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। जब बिंदु बिग बॉस 3 की ट्रॉफी जीतने के बाद बिग बॉस 13 में आए थे, तब उन्हें लगा था कि वो शो जीत जाएंगे क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। हालांकि जब उन्होंने सिद्धार्थ को देखा, तब वह उनके कायल हो गए। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपने वायरल फोटो के लिए लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस बीच परिणीति चोपड़ा ने कहा कि रणवीर सिंह एक क्रिएटिव कलाकार है। मैं उन्हें तब से जानती हूँ जब वो एक्टर नहीं थे। वो एक स्वतंत्र कलाकार है और उन्हें कुछ भी पीछे नहीं खींच सकता है, जो कि एक एक्टर के लिए सबसे अच्छा गुण हो सकता है। एक्ट्रेस ने आगे यह भी कहा कि किसी और एक्टर के बारे में नहीं सोच सकती जो ये शूट कर सके।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल 1 अगस्त को फिर गुजरात जाएंगे। आप संयोजक अगले महीने के पहले 10 दिन में से 4 दिन वहां बिताएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री 1 अगस्त को सोमनाथ में एक जनसभा करेंगे। इसके बाद वह 3, 7 और 10 अगस्त को भी गुजरात का दौरा करेंगे। रेलवे अब वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतों को बहाल करने पर विचार कर रहा है। अब 70 साल के ऊपर के लोगों के लिए रियायती किराया बढ़ाकर उम्र मानदंड में बदलाव किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यह रियायत केवल सामान्य और स्लीपर क्लास पर ही दी जा सकती है। रेलवे बुजुर्गों के लिए सब्सिडी बरकरार रखते हुए रियायत रेलवे को दे रहा है। भारत आज़ादी का 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस जश्न को आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। इस मौके पर भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत सरकार 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। इस अभियान के साथ नागरिकों में देशभक्ति की भावना इससे और प्रबल होगी। वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ घंटों मीटिंग की। वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से गांव में लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आसानी से कर्ज देने के लिए कहा है। तकनीक को उन्नत बनाने में रीजनल रूरल बैंकों की मदद करने को भी कहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार, मुन्ना साह, इंद्रदेव कुमार, प्रिया यादव, कमला अग्रवाल, अजीत कुमार, जितेंद्र ठाकुर, बबलू दास, आलोक कुमार पासवान, सज्जन कुमार झा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि देश भर में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए किए जा रहे कोरोना टीकाकरण से आप संतुष्ट हैं या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और प्रदेश की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।